Hello friends, this is difference between video by Javainhand. Hum is video ke andar aapko batayenge what is the basic difference between C and C++. So aap hame Twitter pe bhi follow kar sakte aur hamare Facebook page pe like, share aur comment kar sakte hain. Aur please subscribe ka button dabana na bhuliye hamari aane wali videos ke sath jude rehne ke liye. Aapka ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले डिफरेंस की, जो कि है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन ईयर 1972 एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय बांजरे स्ट्रब इन ईयर 1983. यह हमारा पहला डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस के बीच में. अब हम बात करते हैं इसके सेकंड डिफरेंस की. सी इज ए प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम बात करते हैं इसके थर्ड डिफरेंस की. सी फॉलो अप टॉप डाउन अप्रोच, जहां पर सी प्लस प्लस फॉलो बॉटम अप अप्रोच. हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सी इज ए सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, इट कैन नॉट रन सी प्लस कोड एंड सी प्लस प्लस इज ए सुपरसेट ऑफ सी. सी इज ए फंक्शन ड्राइव लैंग्वेज. यह हमारा नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस है एंड सी प्लस प्लस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. हमारा जो सिक्स डिफरेंस है वो है डज नॉट सपोर्ट फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी. सी के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है. जहां पर सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों ही सपोर्ट करता है. हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है लो लेवल लैंग्वेज. सी सपोर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज को और सी प्लस प्लस क्या सपोर्ट करता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज को. हमारा अब नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सी सपोर्टेड बिल्ड इन डेटा टाइप बट सी प्लस प्लस सपोर्टेड बिल्ड इन डेटा टाइप एंड ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. अब हम बात करते हैं इसके इनपुट और आउटपुट की. किस फंक्शंस का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं और उसका आउटपुट शो करते हैं. तो हम बात करें अगर सी की, तो स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके हम इनपुट गेट करते हैं और प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके हम आउटपुट शो करवाते हैं. इसी तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर सी इन फंक्शन का यूज होता है इनपुट लेने के लिए और सी आउट यूज होता है आउटपुट शो करवाने के लिए. अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ. हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सी लैंग्वेज के अंदर हमें हमेशा वेरिएबल स्टार्टिंग में डिफाइन करने पड़ते हैं. बट इन हम बात करें सी प्लस प्लस की, सी प्लस प्लस अलाउज करता है वेरिएबल को कहीं भी आप डिफाइन कर सकते हैं विद इन द स्कोप. अब हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है वह है मेमोरी एलोकेशन. सो कैलोक और मेलोक फंक्शन का यूज करके हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड फ्री फंक्शन का यूज करके हम मेमोरी डी एलोकेट करवाते हैं सी के अंदर. अब अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की, तो वहां पर न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग. सी प्लस प्लस के अंदर न्यू और डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं हम मेमोरी एलोकेशन के लिए और डी एलोकेटिंग के लिए और डी एलोकेशन के लिए. हमारा जो लास्ट डिफरेंस है वो है
नो एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट, सी में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता है, बट इन सी प्लस प्लस हैंडल एक्सेप्शन ईजली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें हमारी आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।